गुड मॉर्निंग फ्रेंड, लेट्स टॉक अबाउट डेली कमोडिटी कमेंट्री एंड टेक्निकल लेवल। यस्टरडे वी हैव सीन दैट गोल्ड प्राइसेस मेड ए हाई ऑफ 49,220 एंड क्लोज्ड एट 48,784। इन इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड इज ट्रेडिंग अराउंड $1,897 पर आउंस। सिल्वर प्राइसेस ऑल्सो इंक्रीज शार्पली यस्टरडे एंड मेड ए हाई ऑफ 72,779 एंड क्लोज डेट 71,411। इन इंटरनेशनल मार्केट सिल्वर इज ट्रेडिंग अराउंड $27.61 पर आउंस। द ट्रेंड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर पॉजिटिव ऑन द बैक ऑफ वीकनेस इन डॉलर एंड अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट एंड ग्लोबल पॉलिटिकल मार्केट। सो टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव ट्रेंड में कंटिन्यू। गोल्ड सपोर्ट एट 48,600, रेजिस्टेंस 49,200। सिल्वर सपोर्ट एट 70,500, रेजिस्टेंस 72,400। द ट्रेंड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर पॉजिटिव, सो वी आर रिकमेंडिंग बाय इन गोल्ड एंड सिल्वर फॉर इंट्राडे परस्पेक्टिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस मेटल। यस्टरडे वी हैव सीन दैट ऑल बेस मेटल आर ट्रेडिंग ऑन अ साइडवेज ट्रेंड। यस्टरडे कॉपर क्लोज्ड एट 746.15 रुपीज़। सिल्वर जिंक क्लोज्ड एट 232.45। द ट्रेंड ऑफ बेस मेटल आर साइडवेज टू अप। फॉर टुडे कॉपर सपोर्ट एट 735, रेजिस्टेंस 755। जिंक सपोर्ट एट 229, रेजिस्टेंस 237। लेड सपोर्ट एट 168, रेजिस्टेंस 175। अल्मोनियम सपोर्ट एट 187, रेजिस्टेंस 193। निकल सपोर्ट एट 1240, रेजिस्टेंस 1285। द ट्रेंड ऑफ बेस मेटल आर साइडवेज। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बेस मेटल विल ट्रेड बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, सो ट्रेड अकॉर्डिंगली। जनरली एज पर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, द ट्रेंड इज पॉजिटिव। सो फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, वेट फॉर द लोअर लेवल to initiate the buy. Let's talk about the crude oil. Yesterday we have noticed that crude oil prices closed by 0.21%. However, we have seen yesterday the US inventory drop down. So this will impact a positive for crude oil. For today, we are expecting a positive trend may continue in crude oil. It has a strong support at 4740, resistance 4920. NYMEX crude support at 64, resistance 68. Brent crude support at 66.50, resistance 70.50. Natural gas support at 209, resistance 226. The trend of energy segment is also sideways to positive. However, the trend of natural gas is negative. So for today, we trader can go for buy in natural gas, buy in crude oil and sell in natural gas. So we hope that you will be benefited from this commentary. Thank you.